दस मिनट की वीडियो बना के तेईस लाख लोगों को सर ने इंग्लिश सिखा दिया मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अगर इंग्लिश उन्हें आ गई है तो वो हिंदी का मजाक उड़ाते हा। हा। है। पाएंगे और सरताज उड़ाएंगे पांच छह हजार से शाम तक मैं मेहनत करता लेकिन जब से मैं पर आया हूं, मैंने वो बैचेस सारे छोड़ दिया मैं हंड्रेड परसेंट उठा यूट्यूब को दे रहा हूँ गाइज वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास क्लासाइज इस वक्त आप सरताज सर की क्लास में तो नहीं है लेकिन कमाल के सेटअप पर है किस सेटअप पर है इसके लिए मैं फ्रेम कर देता हूँ चैनल ऑब्वियसली महात्मा जी टेक्निकल देख रहे होंगे लेकिन सर का जो एक स्टाइल है सरताज क्लासेस जो लोग ऑब्वियसली जानते होंगे क्योंकि भारत में इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें बिल्कुल और शुरू से ही रही है सर और ये मजबूरी हमारी रही है कि हम इंग्लिश में हमेशा हमारा तंग रहता है और हम उसके लिए हर जगह जाते हैं चाहे वो कोचिंग क्लासेस हो तीन महीने की वो इंग्लिश की क्लासेज हो यूट्यूब पे हो तो आप जैसे सर मिलते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं तो सर का एक अच्छा करियर ग्रोथ जर्नी रहा है लाइक यू, यूट्यूब पे और मैंने काफी अच्छे से सर को ग्रो करते हुए देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना सर की स्टोरी हमारे महात्मा जी टेक्निकल के व्यूअर्स के साथ लाइक तो शेयर करनी चाहिए तो सर, सर सबसे पहले तो सर वेलकम थैंक यू सो मच बहुत ज्यादा प्यार आज मुझे स्टूडियो मिला है और हम लोग खाना भी खाकर बैठे हुए मंचूरियन सच में घर का बहुत टेस्टी था तो तो मैं इसलिए शुरुआत उसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं थैंक यू सो मच सर तकरीबन हम एक डेढ़ घंटे से बैठे हुए सर को जाना भी था है. तो और भी हॉस्पिटलिटी थोड़ी कम हो पाई उसके लिए चाहूंगा और भी अच्छी हो सकती थी सर सो सर आज सर से हम बेसिकली आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो क्या सीखेंगे इस वीडियो से मैं उनको बता दू सर से मैंने ये चीज जानना चाहता हूँ कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है हमारे भारतवर्ष में यूथ के लिए उन, आ, उनके करियर ग्रोथ में कि उनकी अपस्किल में कितनी जरूरत है इंग्लिश वो सर बता पाएंगे और आई होप आप सीख पाएंगे और सर ने तकरीबन सर का जो चैनल है उस पे 23 लाख से सब्सक्राइबर्स हैं 10 मिनट की वीडियो बना के 23 लाख लोगों को सर ने इंग्लिश सिखा दिया हेड्स ऑफ टू सर इससे बड़ी बात और क्या चीज है आ, बिल्कुल देखिए इंग्लिश अभी आपने पहला सवाल ये पूछा कि इंग्लिश क्यों जरूरी है तो हम बहुत ज्यादा कहते हैं हालांकि के नहीं हिंदी को बढ़ावा दो मैं कहता हूं मात्र मातृभाषा है बिल्कुल देना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं हमने क्या करा है इंग्लिश को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है चाहे वो जो है जॉब के लिए हो चाहे वो कहीं आपको बिजनेस करना हो या कोई भी फील्ड हो इंग्लिश को हमने हवा बना दिया है आजकल मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के बिना ना रिश्ते भी नहीं होते मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते कोई पहले ऐसे केस आते थे कि सर वहां जॉब लगनी है इंग्लिश सीखनी है

और क्या है कि मतलब इंग्लिश नहीं आती है तो वो दिक्कत होती है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या इंग्लिश जरूरी हो चुकी है राइट right. और इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और इंग्लिश को शुरू से ही लेके आप चलेंगे तो I'm मतलब sure एक सिंपल लाइन है कि दुनिया को चप्पल पहनाने से बेटर है मतलब <laughs> ज्ञान देने से कि हिंदी सीख लो अरे हिंदी भी सीखेंगे यार सीखेंगे सीखें है ना लेकिन लाइक दुनिया को चप्पल पहनाने से बेटर है कि खुद का चप्पल पहनिए और निकलिए भाई साहब आगे है ना ज्यादा ज्ञानबाजी करने से बेटर नहीं है क्योंकि अगर आप करते रह जाएंगे तो सिर्फ आप एक्सक्यूज देते रह जाएंगे सर मैं एक कॉमन सी चीज पूछता हूँ जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी को बढ़ावा दो हिंदी को बढ़ावा बिल्कुल देना चाहिए हमारी मातृभाषा

मतलब तो, खासकर उन लोगों को आना पड़ेगा आप जैसे लोग जो हाँ, हिंदी को इतना प्यार देते हैं मतलब हमारा जो सेंटीमेंट है वो अलग मोड पे जा रहा है लेकिन बहुत अच्छी चीज निकल के हाँ, आ रही है हाँ, कि वो लोग जो इंग्लिश अच्छी जानते हैं अच्छी भाषा बोलते हैं उनकी जवान अच्छी है इंग्लिश हाँ। में प्रोनाउंसिएशन अच्छा है उनको हिंदी पे ज्यादा जोर देना, देना जिससे हिंदी मजबूत है एग्जैक्टली राइट हाँ। मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अगर इंग्लिश उन्हें आ गई है हाँ। तो वो हिंदी का मजाक उड़ाते हैं हाँ, है मतलब जान बुझ कर कहते हैं फोर्टी नाइन की हिंदी नहीं आती की हिंदी नहीं आती ऐसा कुछ नहीं यार जो चीज हम बचपन से सीखते हैं उसको क्या मतलब मतलब एक वर्ड में मैं बात करूं हाँ। तो खासकर उन लोगों को जोड़ देना पड़ेगा जिन्हें इंग्लिश आती, आती है ना कि उन्हें जिन्हें इंग्लिश नहीं, नहीं, आती, नहीं आती, है। आती है फिर तो लोग उन्हें समझते कि से नहीं आती है 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 इसलिए जोड़ दे रहा सही है। बात है, करेक्ट सो अल्टीमेटली ऑल ऑफ द समय मैं ये समझ पाया हूँ कि यार इंग्लिश बहुत जरूरी है भारत में रहना है अपने आप को अपस्किल करना है अभी मैं तकरीबन मेरा खुद का सर एक्सपीरियंस रहा है मैं छह सालों से हमेशा लाइक ट्रेवल पे रहता हूँ बड़े बड़े सीईओ से मिलता हूँ अभी भी मैं बैंगलोर जा रहा हूँ कल मेरी एक मीटिंग है बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर है उनसे तो मुझे एक चीज समझ आई है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी इंग्लिश है English. तो आपको स्किल मिलेगा सैलरी में जॉब क्योंकि अभी आपने ये बात बताई ना आप तो ट्रैवल करते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं तो ये मुझे इससे एक चीज में यहाँ पर और पॉइंट याद आया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंग्लिश को ना लोग कहते हैं कि नहीं फॉरन लैंग्वेज है इसको इससे ज्यादा हमें अपनी मातृभाषा का ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तब भी आप भारत का उसमें भला कर रहे हैं अभी हम यूट्यूब क्रिएटर्स क्रिएटिंग फॉर इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने देखा कि यूट्यूब का कितना बड़ा योगदान रहा है भारत की देशभक्ति है ना? और कितनी सारी क्योंकि आप इससे भारत की इकोनॉमी को फायदा कर सकते हैं फायदा दे सकते हैं उसमें एक आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज के स्किल्स खुल जाते हैं तो वही सारी चीजें वही आपके साथ होता है आप कैसे कॉम्युनिकेट कर पाते हैं आपके पास लैंग्वेज है क्योंकि वेरी नाइस सर मतलब ये बात तो राइट यहाँ पे अभी रिसेंटली आपने जो रिपोर्ट्स की बात कही ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट थी राइट तो यूट्यूब ने इतना फैलाया उसको इंडिया में देखो हमने क्या किया और ये बिल्कुल किया है उन्होंने अगर मैं अपने से शुरुआत करूँ तो सर देखिए आप भी आप एक हैंसम अमाउंट ऑब्वियसली अपने चैनल के थ्रू रन कर रहे हैं आ रहा है जिससे बढ़िया घर चल रहा है सर के चेहरे पे स्माइल है तो ऑब्वियसली इससे बड़ी चीज <laughs> exactly, क्या है आपने भी यहाँ चीजें देखी मैंने भी शुरुआत ऐसी करी थी आज टीम है सेटअप है तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब से हमने शुरुआत करी सर so, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं

मोटिवेट कर देती है वो छोड़ देता है इंग्लिश तो अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मैं नहीं मानता इन चीजों की कि ये मायने रखती हैं ये मायने रखती हैं जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो so, मतलब अल्टीमेटली समझ आया कि जीवन का हर चीज का रूट वही रूट होता है साइंस वही, साथ साथ है।, साथ वही है।, हाँ। है जैसे कि मैं यूट्यूब पे लोग पूछते हैं कि सर किस टाइप का चैनल बनाऊ तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि आपका पर्पज क्या है आपका निश क्या है जी आपको किस लिए वीडियोज बनानी है क्या आपको ट्रैवल की वीडियो बनानी है क्या आपको ट्रैवल की इंग्लिश सीखनी है क्या आपको बच्चों का ब्लॉग बनाना है क्या आपको बच्चों की इंग्लिश सीखनी है तो अल्टीमेटली सबका साइंस वही आप सोचे कि कुछ रॉकेट

आप इंग्लिश क्यों सीखे <laughs> ये एक लंबी कहानी तो नहीं है मैंने इंग्लिश क्यों सीखी मेरा एक इंटरव्यू भी आया था जॉस स्टॉक पर शेयर किया था कि मैंने इंग्लिश क्यों सीखी और क्योंकि ये भी एक मंच है मेरे पास बहुत अच्छा तो मैं यहाँ पर भी चीज़ शेयर करना चाहूंगा देखिए हर चीज को सीखने के लिए आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपको महसूस हो जाता है कि अब ये चीज आपके लिए जरूरी बन गई और आपको ये करनी है जब तक हम बारहवीं में थे दसवीं में थे और अपना स्कूल लाइफ थी तब तक एहसास नहीं था कि इंग्लिश की वैल्यू क्या होती

उंड है और मुझे थोड़ा वक्त लगा इंग्लिश क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है और मैं शुरू से इंग्लिश नहीं बोलता हूं ऐसा नहीं है और हम सब का परिवार हमारे लोगों के जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो वही कच्ची लैंग्वेज चलती है हमारे घरों में और भाई कहा जा रहा है क्या कर रहा है तो वो इंग्लिश का माहौल नहीं था तो थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैंने गिवअप नहीं किया और आज वो मेहनत है वो जज्बा था कि मैं आपके पास बैठा हूँ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स और मेरे लिए कि आप आप यहाँ पे हैं और आपने इंग्लिश रिलेटेड बहुत सारी बातें करी तो ये आपका खुद का इंग्लिश का जो जर्नी था वो आपने शेयर करा कि हर कोई इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है आई एम श्योर आप बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना है हमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अब सर थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि सडनली ये यूट्यूब चैनल पे सिखाने का कैसे आपके दिमाग में आइडिया है इसमें एक

फिर एक दिन मैं लैपटॉप लाना भूल गया तो वो फर्स्ट ईयर वाले फिर खाली बैठे हुए तो कहने उसमें से एक कहा रहे सर यूट्यूब पर डाल दो ना मैंने कहा यूट्यूब क्या होता है ये ये मेरे से। मैं ये क्या होता है तो क्या लगा सर एक प्लेटफॉर्म होता है वहां से कोई भी मोबाइल में देख लेगा अच्छा उस वक्त जियो भी नहीं था हाँ। ये बात 2014-15 की है की है तो मैंने कहा ठीक अब उसको वहां जहां मैं इंस्टीट्यूट में जाता था वाईफाई लगा हुआ था मैंने अपलोड कर दिया अब अपलोड करने के बाद वो बैठ के मोबाइल में अपने वीडियो देख लेते थे, थे वाईफाई के जरिए मुझे सात आठ दिन बाद किसी स्टूडेंट ने बताया कि आपकी एक वीडियो वायरल हो गई मैं भाई वायरल क्या होता है भी होता है कह रहा नहीं सर वायरल बोलते हैं वीडियो चल जाना अब वो वीडियो दिखाई उसपे तो उसपे एक लाख व्यूज थे वो मेरे लिए वायरल थी उस जम, उस टाइम पे तो सर उस टाइम पे आज भी वायरल होंगे <laughs> एक लाख व्यूज लोग बोल भी रहे होंगे मेरी जो मैं बोल रहा हूँ

वजह थी कि मेरे पास जो ऑडियंस थी वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी क्योंकि लिमिटेड ऑडियंस तो मैं चाहता था वर्ल्ड वाइड ऑडियंस पाना कि मेरी वीडियो हर कोई देखे तब मैंने स्पोकन की वीडियोस बनाना शुरू किया एंड फिर उसके बाद मुझे लोगों का प्यार मिलता गया एंड बहुत सारे और लोग फॉरेन के भी काफी हाँ बाहर से भी लोग मुझे देखते हैं मतलब जमुना पार में बैठ के एक बच्चा जो लाइक बड़ा हुआ एक आसपास में टीचिंग में पढ़ाया और आज उसे देश विदेश के लोग यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं सर इससे बड़ी चीज क्या होगी पेरेंट्स में सर कैसे खुशी आया मॉम डैड में कैसी फीलिंग हाँ। क्या रहती आम, है आपके लिए मैं जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मैं नॉर्मल कॉमन पढ़ाता था बहुत ज्यादा तो हमेशा कुछ क्रिएटिव करने के बारे में मैं सोचता हूँ कि कुछ डिफरेंट किया जाए तो मैंने ना सोचा क्यों ना कॉमेडी और टीचिंग को मिला दिया तो मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज है ना मैं बहुत अलग स्टाइल में पढ़ाता हूँ

लेकिन आगे, आगे आप खुश है लोग देखते नहीं नहीं मतलब फैमिली का सपोर्ट हमें आगे लेके जाता है हाँ। है और माइंड जब फ्री रहता तो आप क्रिएटिविटी कर पाते हो थी थी। अपने काम में कुछ आगे बढ़ पाते हो और आप आगे बढ़ भी रहे हैं वो आपने बहुत सारी चीजें बताई हाँ। हाँ। वो हमें देख के अच्छा भी लगा सो so, सर एक नॉर्मली uh, सवाल है कि जब भी हम कैमरे पे आते हैं तो लोग हमें देखते हैं पूछते यार ये यूट्यूब पे इंग्लिश का अगर हम चैनल बनाएंगे तो कितना कमा पाएंगे और सरताज सर कितना यूट्यूब से अर्न कर करता है जनरली सर लोगों के सवाल होंगे तो क्या जवाब देंगे आप दो तीन सवाल है अच्छा पहले तो चैनल के बनाएंगे तो क्या ग्रो कर पाएंगे यानी देखिए मैं कहता हूँ एजुकेशनल चैनल वो फील्ड है यूट्यूब जो सबसे स्लो ग्रो करती है क्योंकि आजकल बच्चे डांस देखना पसंद करते हैं वहां रुक जाएंगे लेकिन कोई पढ़ा रहा है तो नहीं रुकेंगे <laughs> लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल स्लो ग्रो करती है तो सारे चैनल स्लो ग्रो करते हैं डिपेंड करता है कि आप, आपका स्टाइल कैसा है right. मैं बहुत सारे टीचर्स देखता हूँ जो मुझसे भी इतना अच्छा पढ़ाते तो मैं उनसे सीखता हूँ चीजों को और तो लेकिन मैं देखता हूँ उनका स्टाइल अलग है तो आप अपने स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट लाइए अपने स्टाइल को बदल लिए कुछ कॉमेडी को ऐड कर सकते हैं या आपकी कोई अपनी टेक्निक हो वो ऐड कर सकते हैं अगर उसको मिलाकर आप चैनल पर आते हैं तो एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है लेकिन जब ग्रो हो जाता है तो मुझे लगता है एजुकेशनल चैनल में अर्निंग बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है एक अनबॉक्सिंग कंटेंट हो गया एक आपका एजुकेशनल कंटेंट ये वर्ल्ड वाइड चलता है लोग देखना पसंद करते हैं अगर आपका टॉपिक ऐसा है तो तो सब लोग देखते हैं तो अर्निंग भी अच्छी होती है उसमें चैनल अच्छा ग्रो करता है तो जाहिर सी बात है और मुझे सबसे ज्यादा सुकून ये रहता है एक टीचर होने के नाते कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक टीचर हूँ तो लोग रेस्पेक्ट करते हैं और देश के बच्चों को एजुकेट कर रहा हूं ये एक फायदा है प्लस पॉइंट है तो ये भी दिल को तसली होती है कि चलो यार एक ऐसे काम से जुड़ाऊ है की रही अर्निंग की बात तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मेरी पहले मैं मॉर्निंग टू इवनिंग टीच करता था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके तो मेरे कई बैचेस जिसमें एक बैच में मुझे तकरीबन पांच हजार रुपए पड़ जाते थे सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता लेकिन जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ मैंने वो बैचेस सारे छोड़ दिया मैं हंड्रेड

तो बस वही बहुत बड़ी चीज जीज है, है। मतलब अपने प्रोफेशन से आप खुश हैं और वो खुशी दिख जाती है दिख जाती हम जाती है। क्या कर रहे हैं चीजों पे और ये तो राइट है कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आएंगे तो ऑब्वियसली आठ से दस गुना एक्सपोजर हमें मिलता है। ही है बिल्कुण हर चीजों को जोड़ लेते स्टूडेंट्स में बहुत बढ़िया सर तो सर मैं उनके लिए जानना चाहता हूँ जो लोग चाहते हैं कि यार मैं भी एज अ टीचर है मतलब देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम भी यूट्यूब पे जो है वो इंग्लिश का चैनल बनाए और ग्रो करें तो उनके लिए क्या सजेशन देंगे उन टीचरों के लिए जिन्हें आपने कहा ऑफलाइन में काफी प्रॉब्लम फेस हो रहा है जब से कोरोना का पीरियड शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन टीचिंग में स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज भी पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि स्कूल भेजने से अच्छा है कि अभी क्लासेस ऑनलाइन ही चलें तो ये एक गोल्डन uh, मोमेंट है उन टीचर्स के लिए जो अपना करियर ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं और मैं कहता हूँ टीचर्स के लिए कोई बड़े सेटअप की जरूरत नहीं आपके पास एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए डिजिटल बोर्ड का जमाना है मैं आज भी डिजिटल बोर्ड यूज नहीं करता हूँ व्हाइट बोर्ड पर कभी कभार अपनी क्लास दे देता हूँ मार्कर से तो आप वो यूज कर सकते हैं नॉर्मल सा मोबाइल यूज कर सकते हैं और जो भी आपके स्किल्स हैं जैसा आप ऑफलाइन पढ़ाते थे वही चीजों को अगर आप लेकर आएंगे

तो ये अपने आप में अच्छी चीज है तो यूट्यूब पर मुझे तो लगता है कि टीचर्स को शुरुआत करनी चाहिए एंड यूट्यूब कहीं ना कहीं उन क्रिएटर्स को भी बढ़ावा देता है जो टीच करते हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं लाइक आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को भी मैं क्रिएटर्स आपका यूट्यूब चैनल में हमेशा फॉलो करता हूँ उसको तो आप क्या करते हैं आप यूट्यूब के बारे में उसमें ज्ञान देते हैं कि भाई ये कैसा तो ये एजुकेशन है तो मुझे बहुत अच्छा ये कंटेंट लगता है तो जब भी आप किसी भी फील्ड में ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं किसी भी फील्ड में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं पक्का यूट्यूब आपको बूस्ट करेगा और आपको पशअप करेगा वेरी नाइस सर बहुत अच्छा सर ने जवाब दिया आई होप सारे हमने इंग्लिश से रिलेटेड सर का करियर रिलेटेड सर की फैमिली से रिलेटेड बहुत कुछ जान लिया तो वीडियोस को एंड में सर अपने स्टाइल में करें कि क्या कहना चाहेंगे सर सर एट द एंड एंड और वीडियो को ही करेंगे जब शुरुआत इन्होंने करी है तो <laughs> देखिए आपके साथ बैठ बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि मैं इस वीडियो को एंड करूँ लेकिन क्योंकि वक्त का तगाजा और वक्त इतना नहीं होता है और जो लोग यहाँ तक एंड तक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं सैल्यूट टू कि इतनी देर आप लोगों ने हमें झेला वीडियो एंड करने में मैं आपको मैं यही कहूंगा कि देखिए आपके जो भी अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको प्लीज आप बाहर लेकर आइए और यूट्यूब पर एक बार जरूर उसको लेकर आइए यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है क्या करना है चैनल है क्रिएटर्स वहां पर आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं कैसे शुरू करना आप ये भी नहीं टेंशन है कि यार कौन बताएगा यूट्यूब ही खुद रहा yeah, ऐसे बता रहा है लोग आप बता रहे हैं कि भाई कैसे शुरुआत करनी है तो वहां से सीखिए अपनी वीडियोस बनाइए एंड आई एम श्योर कि आपका जो भी टैलेंट है वो आपको अर्निंग भी देगा अंदर सर्टिफिकेशन भी देगा कि यार मुझे हाँ ये चीज करनी है तो यही सारी चीजें हैं सर जो मैं इस के माध्यम से शेयर करना चाहता था थैंक यू सो मच एवरी थैंक यू सो मच सर की नॉलेज शेयर किया धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू